जनपद की तीनों नदियां राप्ती, घाघरा और रोहिन खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिसके कारण आसपास के गांव में पानी पहुंच गया है और लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पूरे जनपद में कुल 131 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। तीनों नदियां राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। एडीएम फाइनेंस ने बताया कि स्थिति समान है, कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई कहीं से भी जनधन हानि की सूचना नहीं है, स्थिति पूरी तरह समान है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता और एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, देखिए अभी नदियों में उतार दर्ज किया गया है कुछ नदियों में, जिसमें राप्ती और अन्य उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, लेकिन घाघरा में थोड़ा सा अभी चढ़ाव हुआ है। अगेन फिर राप्ती घाघरा जो है अपने डेंजर लेवल को आ गई है अयोध्या में, लेकिन नदियों की चढ़ते और उतरते क्रम पे लगातार निगरानी रखी गई है। तटबंधों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, नाइट मॉनिटरिंग भी की जा रही है और सभी सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगातार तटबंधों पर ही प्रवास किए हुए हैं। और आज भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा बड़ालगंज क्षेत्र में जो गोला क्षेत्र में जो प्रभावित ग्राम है उनका निरीक्षण किया गया। सभी संबंधित उप जिलाधिकारीगण अपने अपने क्षेत्रों में लगातार तटबंधों की निगरानी और राहत कार्य का परीक्षण कर रहे हैं। राहत वितरण का कार्य लगातार संचालित है और अभी तक कहीं से किसी प्रकार की कोई अप्रिय सूचना की घटना प्राप्त नहीं हुई है। सर, अब तक कितने गांव प्रभावित हैं और कितनी बड़ी आबादी होगी? देखिए लगभग अभी हमारे वहाँ पूर्ण और आंशिक रूप से मिलाकर के 113 गांव अभी तक प्रभावित हैं, लेकिन हो सकता है कि नदी का जो पानी है थोड़ा सा फैल रहा है, तो हो सकता है आज शाम देर शाम तक 5-6 गांव और उसमें उसके जद में आए। लेकिन अभी एक अच्छी ये है कि अभी अधिकांश गांव जो हैं जो जिनके घरों में पानी नहीं गया है, खेतों तक पानी है, और लेकिन जो ग्राम वरुण है वहां पर राशन वितरण की कार्रवाई स्तर पर की जा रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो इसका विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। नावों की क्या संख्या लगाई है, कितनी? देखिए अभी तक नियर अबाउट जो रिपोर्ट के अनुसार है तकरीबन 143 नावें यहाँ पर छोटी बड़ी नावें लगाई जा चुकी हैं और तहसीलों को ये भी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि अगर नाव की अतिरिक्त आवश्यकता हो तो बताएं, लेकिन अभी पर्याप्त नावें हैं। अपने जनपद में 297 नावें हैं जिसमें अभी तक 143 नावें हम लोगों ने प्रयोग किया है। नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, जिलाधिकारी महोदय सभी अपर जिलाधिकारियों और उप जिलाधिकारियों तथा विभाग के अन्य अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। अभी तक 131 गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हैं, लेकिन कहीं पर कोई समस्या नहीं है। पानी जैसे जैसे नदी का बढ़ रहा है वैसे वैसे वो फैल रहा है और मुझे लगता है कि अगले 15 दिनों में ये पानी वापस चला जाएगा। जो गांव मैरूंड हैं केवल उन्हीं के लिए निर्देश है कि उन गांवों के में राशन सामग्री का वितरण किया जाए, भूसे की आवश्यकता अनुसार वितरण किया जाए या अन्य जो राहत सामग्री अपेक्षित हो वो सभी SDMs को निर्देशित किया गया है कि उनका वितरण कराया जाए। कितने गांव हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं? अभी 131 गांव बाढ़ प्रभावित हैं और मैरूंड की एग्जैक्ट संख्या SDMs के पास ही है और वे लोग वहाँ पर आवश्यक कार्रवाई करा रहे हैं।